हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल। आज हम क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे प्रॉपर रूप से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 एम्पियर है। ठीक है, इसका डेढ़ गुना होता है, अतः इसका सी ऑप्शन सही है, 26 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होती है। ठीक है ना, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्केल के जैसा होता है और एक हमारा गोल होता है। ठीक है, इसमें जगह जगह पर चित्र होते हैं, इसी से बनाए गए होते हैं, साँचे होते हैं, इसमें कंडक्टर को क्या करते हैं डाल के और उसके डायमीटर को नाप लेते हैं कि हमारा वो कंडक्टर है जो कितना SWG का है। ठीक है, तो इसकी परास क्या होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा होता है 0 से 36 के बीच में होता है इसका परास। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इस तार का जोड़ का नाम क्या है, यानी कि ये कौन सा जोड़ है हमारा। इसे हम कहते हैं नॉटेड टैप जोड़। क्या कहते हैं इसको, नॉटेड टैप जोड़। बी ऑप्शन हमारा क्या इसका सही है। ठीक है, इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें दूसरी सिरा निकालनी होती है। ठीक है, उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिरोपरी लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हमारा सही, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है, इनकी एक्स हमारा किस रिप्रेजेंट को दिखा रहा है। ठीक है, हमारा किसको दिखा रहा है, बेंडिंग को दिखा रहा था। देखिए इसके इसके इसको याद करने का सिंपल फार्मूला होता है सिम्बस। ठीक है ना, CIMBAS। सी मतलब होता है कोर होता है, आई मतलब होता है इम्प्लिकेटेड होता है, एम होता है मेटेलिक होता है, बी मतलब बेंडिंग होता है, और ए मतलब होता है आर्मरिंग, एस मतलब क्या होता है सर्विंग, मतलब चारों ओर से इसको क्या कहते हैं ढका होता है, जो सर्विंग कहते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है एक्स मतलब क्या है, यहाँ पर बेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि XLP का पूर्ण रूप हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसको फर इसका होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन कहते हैं इसको। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष का स्थापन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो लूप टेस्ट में इसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हमारा सही है। कह रहा है उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्पादन संयंत्र जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, हवा में रैक होता है, रैक होता है मतलब ऐसे बना होता है यहाँ पे रैक, इस पर क्या करते हैं हम लोग केबल ले जाते हैं। ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन क्या सही हमारा होता है। ठीक है, 10वां का बी। अगला 11 नंबर, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, कि इसके बाहर के अंतिम कक्षक बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका 29 मतलब कैसे होता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फार्मूला होता है 2 8 18 32। ठीक है, तो कह रहे तांबे के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, तो 2 8 10 18 26 8 6 18 8 26 2 28 1 29, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, अतः इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है।
ये हमारे इसमें क्या होता है, गैस का आयोनाइजेशन होता है, जो नियॉन लैंप होता है, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट के द्वारा क्या होता है, हमारा जलता है और हमें प्रकाश के रूप देता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई हमारी क्या है, कुचालक इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो इकाई होती है उसकी क्या होती है, मेगा ओम होता है। ओके, डी ऑप्शन सही इसका है। अगला कह रहा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, कि इनमें से कौन सा होता है जो अधिक अतिरिक्त धारा, जिसमें क्या होता है हायर रपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज करते हैं, यानी कि 400 फ्यूज क्या हमारा है, सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी रोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है, यानी कि चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे चालक है, इसकी लंबाई को बढ़ाना हो तो इसमें या तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, बांध देते हैं, दोबारा चालक हमारा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन क्या, ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर सिरोपरी को दूसरी दिशा में ले जाना हो। ठीक है, अगला 16 नंबर, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, केर अल लाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केर अल लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सोल्डर जो बार बार पिघलता है तो जो टिन होता है उसका भाग क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ओके, अगला, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, यदि धारा अधिक बहुत समय तक बहती रहेगी तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसमें हो सकता है कभी करंट आ सकता है। ठीक है, अगर अधिक करंट फ्लो होती है तो उसके बाहर फिर करंट आ सकता है और हमें शॉक लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि का उपयोग हम संकीर्ण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं। डक्ट पाइप का इस्तेमाल, संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे गलियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, गली हो या फिर ऐसा संकीर्ण मतलब जहाँ पे बाहर तार ना दिखे, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, डक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। डक्ट मतलब गड्ढा खोदते हैं, पाइप डालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, केबल डाल देते हैं, डक्ट पाइप विधि कहलाती है हमारी। यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इस भूमिगत केबल में एक्स से किस भाग को अंकित किया गया है, तो हमारे कहा किसको किया गया है, लेड शीथ को अंकित किया गया है। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे, भूमिगत केबल या किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें भूमिगत केबल किस प्रकार का दोष को ज्ञात किया जा सकता है, इसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को छरड़ से बचाता है, तो मेटेलिक बांधता है, धात्विक कवच को छरड़ से बचाता है। ठीक है ना, इसमें बेंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे 23, आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, ताकि जानते हैं कि जलने ना कोई, इसे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पहला क्या है, जलने और अग्नि को रोकता है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, ठीक, रियल टाइप जोड़ नहीं, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, रियल टिल जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस जोड़ का नाम क्या है, ठीक, इसको हम बोलते हैं मैरिट जोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैरिट जोड़ बोलते हैं। ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैरिट जोड़ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल वहाँ पे दूसरे के लिए किया जाता है, आंतरिक और बाहरी स्थापना के लिए नहीं, चालक को यांत्रिक तनाव की आवश्यकता के लिए नहीं, सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है, सिरोपरि यानी कि जो खंभों पे सप्लाई दी जाती है उसको सिरोपरि लाइन कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो डीप सोल्डरिंग नहीं,
ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, नहीं तो गैस वेल्डिंग को कहते हैं ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। सी आप समझे, हमारे इसका सही हो जाएगा सी। 27 का सी। आगे अगला कह रहा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है हमारा। तो पीसीबी में छोटे छोटे भागों को क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, इसे सोल्डरिंग गन बोलते हैं बेसिकली। उसमें क्या है, पीसीबी होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है, चाहे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीसीबी तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप टेलीविज़न वगैरह देखेंगे उसमें पीसीबी बना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से किस भाग को अंकित किया गया है, ठीक है। तो हमारा लेट सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है एस, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, क्योंकि विच इंसुलेशन मटेरियल यूज एज हॉट पावरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट इन अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। इसमें को इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिन्स कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, भूमिगत से बेडिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक है। बेडिंग क्या करता है, वो हमारा जो मेटेलिक होता है उसको धात्विक छवर से क्या करता है, हमारा बचाता है, जिससे हमारा धात्विक छवर से बचाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। लूप टेस्ट, तो ग्राउलर टेस्ट क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसको ग्राउलर टेस्ट कहता है, ठीक है। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर को रख देते हैं यहाँ पे, इसमें इसका इंटरनल दोष ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हुआ, लूप टेस्ट ज्ञात करने की भूमिगत केबल में दोष ज्ञात किया जाता है लूप टेस्ट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक चालक को 7/1:40 इंगित किया जाता है तो 1/40 क्या दर्शाता है, तो 1/40 क्या दर्शाता है, डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर। डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। जैसे मान लीजिए 7/41 लिया गया है, तो ये 41 और 7, जैसे 7 का मतलब है कि हमारा एक अल्मोनियम कंडक्टर नहीं, ये लोहे का कंडक्टर, और 41 क्या हमारे यहाँ हमारे अल्मोनियम कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 7/1:40 ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर। तो डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एल्युमिनियम की चालक की चालकता का मान हमारा क्या है, इसकी मान क्या होता है, 35 महो मीटर प्रति मीटर होता है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारण क्या है हमारा, ठीक है। तो हमारा 8.81 होता है करंट रेटिंग का, एक्सेस करंट प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। रेटिंग फैक्टर 0.81 होता है। तो सी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक को आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। देखिए भूमिगत केबल होती है वह बाहर वाले केबल के बच्चे क्या होता है, उसके थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। फेज चालक से क्या होता है, हमारा आधा होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो क्या होगा, हमारा आधा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रिपिंग टूल्स बोलते हैं, इसके द्वारा लंग्स को दबाया जाता है, ठीक है। लंग्स ट्रांसफार्मर में जो 4 पॉइंट निकले होते हैं उसमें लंग्स को लगा देते हैं और फिर केबिल डाल के इसके द्वारा क्या करते हैं, दबा देते हैं, जिससे केबिल बाहर ना निकले, ठीक है। तो इसको सी ऑप्शन सही। कटिंग प्लायर से क्या करते हैं, हम लोग तार को काटते हैं और स्टिपर से तार को छीलते हैं, ठीक है। और क्रिपिंग टूल से लंग्स को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 37 का सी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे माइक्रोमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है, तो हमारे कि 5 से कम है और 10 से पीछे, यानी कि 4.55 हो गया हमारा सही। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 कह रहा है वाहनों की बाड़ी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं विथ फ्लेम के साथ करते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग फ्लेम का इस्तेमाल कर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टिप सोल्डरिंग से क्या करते हैं, पीसीबी सर्किट में किया जाता है सोल्डरिंग, है ना। तो किन्हीं चालक तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग गन के साथ आर्मेचर में किया जाता है इसका। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा
बी ऑप्शन सही है, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ये गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में हमारा क्या लाभ है। ठीक है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे कह रहा है कि 16 एम्पियर की केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक धारा संचित करती है, इसका डेढ़ गुना होगा। ठीक है ना, 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 13 एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए।